हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अनदर मैथमेटिक्स पजल वीडियो। चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, 15 प्लस 14 जो कि हमें इक्वल दिया गया है 131 के इक्वल दिया गया है। नेक्स्ट 12 प्लस 13 जो कि हमें इक्वल दिया गया है 63 के इक्वल दिया गया है। नेक्स्ट 16 प्लस 17 जो कि हमें इक्वल दिया गया है 215 के इक्वल दिया गया है। और हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, 22 प्लस 12 किस चीज के इक्वल होगा, ये हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फाइंड करना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड्स दे देता हूं। अगर आप इन 10 सेकंड्स के अंदर अपना आंसर निकाल देते हैं तो आप अपना आंसर हमें कॉमेंट बॉक्स में मैंशन कर सकते हैं। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। अगर आपने 10 सेकंड्स के अंदर अपना आंसर निकाल दिया है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, 15 प्लस 14 जिसका सम इक्वल होता है हमारे पास 29 के इक्वल होता है। और हमें यहाँ पे इक्वल दिया गया है 131 के इक्वल दिया गया है। नेक्स्ट 12 प्लस 13 जिसका सम इक्वल होता है हमारे पास 25 के इक्वल होता है। और हमें यहाँ पे इक्वल दिया गया है 63 के इक्वल दिया गया है। नेक्स्ट 16 प्लस 17 जिसका सम इक्वल होता है 33 के इक्वल होता है। और हमें यहाँ पे इक्वल दिया गया है 215 के इक्वल दिया गया है। और हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, 22 प्लस 12 जिसका सम आपस इक्वल होगा 34 के इक्वल होगा। और हमें यहाँ पे बताना है कि क्वेश्चन मार्क्स की जगह यहाँ पे हमारे पास कौन सा नंबर आएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सिंपली क्या फॉर्मूला यूज होगा, सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको लेना है फर्स्ट नंबर को जो कि हमारे पास है 15 और उसी 15 को आपको मल्टीप्लाई करना है उसके यूनिट प्लेस से, यानी कि आपको 15 मल्टीप्लाई करना है 5 जो कि हमारे पास इक्वल होगा 75 के इक्वल होगा। और उसका नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपको लेना है सेकंड नंबर को जो कि हमारे पास है 14 और उसी 14 को भी आपको मल्टीप्लाई करना है उसके यूनिट प्लेस से जो कि हमारे पास है 4। 14 मल्टीप्लाई 4 जिसका सम इक्वल होता है हमारे पास 56 के इक्वल होता है। और लास्ट वाले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको लेना है इन दोनों नंबर का सम 75 प्लस 56 जिसका सम आपस इक्वल होगा 131 के इक्वल होगा। और 131 आपको अपने स्क्रीन पे भी दिख रहा है। सेम फॉर्मूला हमारे पास नेक्स्ट में भी यूज होगा, यानी कि सबसे पहले स्टेप में आपको लेना है फर्स्ट नंबर को जो कि हमारे पास है 12 और उसी 12 को आपको मल्टीप्लाई कर देना है उसके यूनिट प्लेस से जो कि हमारे पास है 2। 12 मल्टीप्लाई 2 जिसका सम इक्वल होता है हमारे पास 24 के इक्वल होता है। और उसके नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपको लेना है सेकंड नंबर को जो कि हमारे पास है 13 और उसी 13 को आपको मल्टीप्लाई करना है उसके यूनिट प्लेस से जो कि हमारे पास है 3। 13 मल्टीप्लाई 3 जिसका सम इक्वल होता है हमारे पास 39 के इक्वल होता है। और लास्ट वाले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको करना है इन दोनों नंबर को प्लस 24 प्लस 39 जिसका सम इक्वल होता है हमारे पास 63 के इक्वल होता है। और 63 आपको अपनी स्क्रीन पे भी दिख रहा है। सेम फॉर्मूला हमारे पास नेक्स्ट में भी यूज होगा, यानी कि सबसे पहले स्टेप में आपको लेना है फर्स्ट नंबर को जो कि हमारे पास है 16 और उसी 16 को आपको मल्टीप्लाई करना है उसके यूनिट प्लेस से जो कि हमारे पास है 6। 16 मल्टीप्लाई 6 जिसका सम आपस इक्वल होगा 96 के इक्वल होगा। और उसके नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपको लेना है सेकंड नंबर को जो कि हमारे पास है 17 और उसी 17 को आपको मल्टीप्लाई करना है उसके यूनिट प्लेस से जो कि हमारे पास है 7। 17 मल्टीप्लाई 7 जिसका सम आपस इक्वल होता है 119 के इक्वल होता है। और लास्ट वाले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको करना है इन दोनों नंबर को प्लस जिसका सम आपस इक्वल होता है 215 के इक्वल होता है। और 215 आपको अपने स्क्रीन पे भी दिख रहा है। सेम फॉर्मूला हमारे पास लास्ट में भी यूज होगा, यानी कि सबसे पहले स्टेप में आपको लेना है फर्स्ट नंबर को जो कि हमारे पास है 22 और उसी 22 को आपको मल्टीप्लाई करना है उसके यूनिट प्लेस से जो कि हमारे पास है 2। 22 मल्टीप्लाई 2 जिसका सम इक्वल होता है हमारे पास 44 के इक्वल होता है। और उसके नेक्स्ट स्टेप में आपको लेना है सेकेंड नंबर को जो कि हमारे पास है 12 और उसी 12 को भी आपको मल्टीप्लाई करना है उसके यूनिट प्लेस से जो कि हमारे पास है 2। 12 मल्टीप्लाई 2 जिसका सम वापस इक्वल होता है 24 के इक्वल होता है। वो लास्ट वाले स्टेप में आपको करना है इन दोनों नंबर को प्लस। 44 प्लस 24 जिसका सम वापस इक्वल होता है 68 के इक्वल होता है। यानी कि जहाँ भी आपको क्वेश्चन मार्क्स दिख रहा है वहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 68 आएगा। अगर आपने पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो फाइंड इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।